सुधारने वाली ये गैस। बस करो बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, ऐसी बुरी आदत छोड़ दो नोबिता। लेकिन आप दोनों की भी तो कुछ बुरी आदतें होंगी ना? क्या कहा तुमने? मेरे अंदर बुरी आदतें नहीं हैं। मुझे भी कोई बुरी आदत नहीं है। देखा, आप दोनों अभी वही कर रहे हैं। डैड घुटना हिलाते रहते हैं और मॉम जीभ बाहर निकालकर ओठ को लगाती रहती हैं। देखो नोबिता, मैं अपनी पीठ खुजा रहा हूँ और ये बुरी आदत नहीं है। मुझे भी नहीं है, मेरे होंठ सूख गए थे इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, समझे? दूसरों को सिखाना बंद करो और अपने आप को सुधारो। डोरेमोन, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? वो दोनों अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें आसानी से अपनी आदतों का एहसास कभी नहीं होता है, और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो तो चलो उन्हें एहसास करवाते हैं। बुरी आदत सुधारने वाली गैस। इस गैस को छिड़कने के बाद उन दोनों की आदत अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर भले ही इसका उन्हें एहसास हो या नहीं। लेकिन तुमने इसे मुझ पर क्यों छिड़का? सॉरी नोबिता। ठीक है, हमारे मेहमान आ रहे हैं। क्या बात है? क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। मेरे कान बज रहे होंगे। कल तो उधर गए थे, काफी फर्क। क्या हो रहा है? उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। तुमने उन्हें टोक दिया था ना, शायद इसलिए वो इस बात का ध्यान रख रहे होंगे। थोड़ी देर में वो आदतें जरूर दोहराएंगे। और कितना इंतजार करें? कितना गंदा है! डोरेमोन, ये क्या है? इसे मुझसे दूर रखो और जाकर ठीक तरह से कहें। ये इतना बड़ा, इसे डस्टबिन में कैसे डालूं? जल्दी बोलो डोरेमोन। नोबिता, ये क्या है? अरे कुछ भी नहीं है। ये कौन सी चीज है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, किसी काम की चीज नहीं है। सॉरी अंकल। दीजिए। अरे नोबिता आ गया। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हो सकता है? मुझे तो ये कोई मजेदार चीज लग रही है। आखिर ये है क्या? इस चीज से हम डॉज बॉल तो नहीं खेल सकते। क्या करें, क्या करें? वो तुम्हें इसे इतनी देर तक छूना नहीं चाहिए जियान। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? वो क्या है बताओगे नोबिता? वो क्या है कि वो हाँ ठीक है, सुनिए सुनो, तुम्हें कोई बुरी आदतें हैं क्या? तो मैं वो छुड़ा सकता हूँ। बुरी आदत? मुझ में कोई भी बुरी आदत नहीं है, समझे? ऐसा तो हो नहीं सकता। सुनियो, तुम्हारी बहुत सारी बुरी आदतें हैं जिनका तुम्हें एहसास नहीं है। कैसा लगा? कैसा? कुछ भी नहीं बदला है नोबिता। मैंने तुम्हें कहा था मुझ में कोई भी बुरी आदत नहीं है। अरे ये आवाज कैसी थी? कहाँ से आई? ध्यान रुक जा जरा। उंगलियाँ, उंगलियाँ। ये आदत? मुझे नहीं पता था मुझ में ऐसी भी कोई आदत है। ये तो तुम्हारे गाने से भी बुरी है। अरे ये क्या? देखा, तुम्हें तुम्हारी बुरी आदत का एहसास हुआ ना? लेकिन ये सब क्या हो रहा है नोबिता? आदतें तो छूट सकती हैं, लेकिन ये सब मुश्किल से ही हो पाता है। अरे हाँ, तुम्हारी क्या बुरी आदत है? मुझ में ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। अरे हाँ। अब बहुत हुआ।
अरे नोबिता सुनो। हाँ, इन्होंने थोड़ी देर पहले मेरी नाक पकड़ी थी। लगता है ये वही अंकल है ना डोरेमोन। दरअसल मैं रास्ता भूल गया था, मुझे माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, लीजिए मिठाई खाइए ना। जरा देखो मॉम के होठों को गौर से देखो। मेहमानों के सामने ऐसा मत करो। देखो देखो ये कितना असरदार है ना। वो गलत बात ये है कि आप बुरा मत मानिएगा, बस करो। अरे चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। क्या करूं, मुझे तो ये बुरा लगा। डैड ने घुटना हिलाना शुरू कर दिया है। अब मॉम और डैड को एहसास होगा कि उनकी कितनी सारी बुरी आदतें हैं। अरे आप अपना गुस्सा हिलाना बंद कर दीजिए। बेहतर होगा कि तुम भी अपने जीभ को संभालो। अब ये अपनी बुरी आदतें छोड़ देंगे। पर डोरेमोन वो गैस कुछ ज्यादा ही असरदार है। पतझड़ का मौसम आया, दिल में एक हलचल लाया। आओ हम मिलकर झूमे, नाचे धरती को चूमे। आओ मेरे पास आओ और मेरे साथ में गाओ, झूमो और खुशी मनाओ। ला 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 ला।